बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, इस वीडियो में हम कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शैल बी एबल टू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन मौजूदा ज़माने में फाइल के काम करने की ताकत या अहलियत ज़ाहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ताकत या अहलियत ज़ाहर करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और ये 60 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री ब्रेमिया यूट्यूब चैनल पर आए और 60 जो लिस्ट है उसको क्लिक करें और आप यहाँ 60 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा कोर्स है ये। ही कैन क्रॉस द रोड, यानी उसकी अंदर ताकत है कि वो सड़क क्रॉस कर सकता है। ही कैन क्रॉस द रोड, वो सड़क पार कर सकता है, वो सड़क पार कर सकता है। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं दरिया में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं दरिया में तैर सकता हूँ। तो ये मेरी ताकत है, वो उसकी ताकत थी। और विल बी एबल, हमारे पास इस्तेमाल होता है शैल बी एबल, विल बी एबल, और हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह कोड का इस्तेमाल भी है। कोड यह है गुज़श्ता ज़माने में फाइल के काम करने की ताकत अहलियत ज़ाहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ही कोड क्रॉस द रोड, जैसे हम पहले फिक्रे को देखें तो उसके अंदर कोड लगा दें तो ही कोड क्रॉस द, ही कुड नाट हेयर दी एक्सपेंस ऑफ, ही कुड नाट बियर दी एक्सपेंस ऑफ योर ब्रदर्स एजुकेशन। और इसी तरीके से शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू, आने वाले ज़माने में फाइल के काम करने की अहलियत या ताकत ज़ाहर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही विल बी एबल टू क्रॉस द रोड, वह सड़क पार कर सकेगा, यानी फ्यूचर की ताकत इस्तेमाल की गई है। यू विल बी एबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर ब्रदर्स, आप अपने भाई की तलीम के अखराजात बर्दाश्त कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर ब्रदर्स एजुकेशन, आप अपने भाई की तलीम के अखराजात बर्दाश्त कर सकेंगे। यू कुड नाट बियर द एक्सपेंस ऑफ योर ब्रदर्स एजुकेशन, कुड हमने इस्तेमाल किया है, आप अपने भाई की तलीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यानी माजी के दौर की बात हो रही है, उसमें कैन की जगह पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश रवानी से बोल सकता है, वो इंग्लिश रवानी से बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 2 आवर्स, आई कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन 2 आवर्स, मैं ये काम 2 घंटे में मुकम्मल कर सकता हूँ। आई कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन 2 आवर्स, मैं ये काम 2 घंटे में मुकम्मल कर सकता हूँ। आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू, आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू,
आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल ले सकता हूँ। आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल ले सकता हूँ। डॉक्टर साहब को नॉट फाइंड ए क्योर फॉर एड्स, डॉक्टर साहब एड्स की बीमारी का इलाज दरियाफत न कर सके। कोड नाट यानी माजी की बात हो रही है। डॉक्टर साहब कोड नॉट फाइंड ए क्योर फॉर एड्स, डॉक्टर साहब एड्स की बीमारी का इलाज दरियाफत यानी ज़्यादा डॉक्टर थे, एक डॉक्टर नहीं था। यू कोड नॉट सेव योर सेल्फ फ्राम डिस्ट्रक्शन, तुम अपने आप को तबाही से ना बचा सके। यू कोड नॉट सेव योर सेल्फ फ्राम डिस्ट्रक्शन, तुम अपने आप को तबाही से ना बचा सके। He will not be able to lie to me, वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकेगा। He will not be able to यानी बोलने की सख्त नहीं होगी फ्यूचर में। To lie to me, मेरे सामने झूठ बोलने की ताकत नहीं होगी उसमें। ताकत को हम जाहिर करते हैं। He will never pass the exam, सलाहियत नहीं है पास करने की इम्तहान की। He will never pass the exam, वो इम्तहान में कभी पास नहीं हो सकेगा। He will never pass the exam, वो इम्तहान में कभी पास नहीं हो सकेगा। Robbers will not be able to rob passengers in broad daylight, डाकू दिन दिहाड़े मुसाफरों को नहीं लूट सकेंगे। Robbers will not be able to rob passengers in broad daylight, और डाकू दिन दिहाड़े मुसाफरों को नहीं लूट सकेंगे। Robbers डाकू को कहते हैं, पैसेंजर मुसाफर, broad daylight दिन की रोशनी में। Together we will be able to defend our country, हम सब मिलकर अपने मुल्क का दफा कर सकेंगे। Together we will be able to defend our country, हम इकट्ठे मिलकर इस मुल्क का दफा कर सकेंगे। Can I solve this question in 10 minutes? Can I solve this question in 10 minutes? सवालिया फिक्रा है, क्या मैं इस सवाल को 10 मिनट में हल कर सकता हूँ। कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट, यानी मेरे अंदर ये सलाहियत है। आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू द अदर पीपल हु आर जजिंग मी दैट कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट। नो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट मिस्टर, बिकॉज यू हैव नो एबिलिटी टू डू सो। Will he be able to clear the exam this year? Especially you will not clear the exam due to your weak English, because you are not paying attention toward your English, and all the nation is facing this difficulty, and they are getting failed again and again in the examination. Come to this channel and learn English, and you will be able to clear the exam this year. How will he be able to clear the exam this year? क्या वो इस साल इम्तहान पास कर लेगा या कर पाएगा? Couldn't he get the appointment letter? क्या वो तकरारनामा हासिल न कर सका? Couldn't he get the appointment letter? यानी he could not get the appointment letter. Could he not? Will Anwar be able to write a new book next year? क्या Anwar अगले साल तक नई किताब लिख सकेगा? क्या Anwar, will Anwar be able to write a new book by next year? अगले साल तक नई किताब लिखने के अहल होगा, लिख सकेगा?
we will be able to discover new varieties of cotton. हम कपास की नई किस्म दरियाफ्त कर सकेंगे. कब? अगले साल. आई कैन गिव अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन. मैं बगैर तैयारी के तकरीर कर सकता हूँ. आई कैन डिलीवर अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन. मैं बगैर तैयारी के तकरीर कर सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड डियर गाइस, थैंक यू वेरी मच. यू आर वॉचिंग दिस चैनल एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू विल टॉक इन इंग्लिश एंड ऑल्सो टीच इंग्लिश टू योर फोर्थ कमिंग जनरेशन. इंग्लिश इज कंपल्सरी. एवरी रिसर्च ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग इन इंग्लिश. हाउ कैन यू मेक अ डेवलपमेंट इन द कंट्री विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू नॉलेज. थैंक यू वेरी मच. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स.